नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आप मेरी वीडियो देखने के लिए अपना कीमती समय निकालते हैं, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं हमेशा ही आपके लिए वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की खास बातें बताता रहता हूं। और आज जो मैंने विषय लिया है वो लिया है सेंटर मध्य भाग। जो आप स्क्रीन में टीवी में देख रहे हैं वो है हमारा सेंटर मध्य भाग। आपका अपना घर है और उस घर के अंदर जो आपका अपना सेंटर भाग बनता है, जो केंद्र बनता है, वहाँ पर यदि वास्तु दोष होता है तो क्या होता है, आज इसके बारे में खास बातें बताना चाहूँगा। और इसी के साथ मैं घर के मध्य भाग में वास्तु दोष होने से किस प्रकार के कैसे प्रभाव आते हैं इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या आप अपने घर को रेनोवेट करने जा रहे हैं तो आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और विचार कीजिएगा कि आपको लगता है बंसल जी द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी सही है तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त भी कर सकते हैं। जो आपके अपने घर का सेंटर भाग बनता है, जो केंद्र बनता है, कुछ जगह या पुराने घर जो बने हुए हैं वहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिलती है। पूरे घर में फर्श के लेवल हल्के हल्के ऊंचे हो जाते हैं और जो सेंटर का भाग बनता है ये हल्का सा नीचा हो जाता है। कितना कितना फ़र्क मिलता है, आधा आधा इंच का, एक एक इंच का फ़र्क मिलता है। यहाँ से इस कमरे में जाते हैं तो भी एक इंच ऊंचा है, यहाँ से इधर जाते हैं तो भी ये फर्श एक इंच ऊंचा हो जाता है और यहाँ से इधर जाते हैं तो भी एक इंच के करीब ये फर्श ऊंचा हो जाता है और यहाँ से इधर भी जाते हैं तो भी ये फर्श एक इंच के करीब ऊंचा हो जाता है। तो ऐसे में यदि आपका सेंटर का भाग हल्का सा नीचा हो जाता है तो उस घर में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो परेशान रहते हैं। जो उन लोगों की तरक्की होनी चाहिए, जो उन्हें कामयाबी मिलनी चाहिए, वो कामयाबी नहीं मिलती। दिन प्रतिदिन उनका ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर आना शुरू हो जाता है। मैंने खूब देखा है जिन लोगों के पुराने घर बने हुए हैं और उन्होंने अपने यहाँ सेंटर के भाग को नीचा किया हुआ है, चाहे जानबूझ के किया या अनजाने में किया, वहाँ पर इस तरह की दिक्कतें पाई गई हैं। आप भी देखिए, आप अपने पुराने घर में रह रहे हैं और आपका घर का मध्य भाग नीचा है तो भी आपको इस तरह की समस्याएं देखने को जरूर मिलेंगी। इसी तरह घर के मध्य भाग में पानी का अंडरग्राउंड टैंक बना दिया जाता है या सबमर्सिबल लगा दिया जाता है तो उस घर में ना जाने किस किस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता कि उस घर के अंदर क्या क्या हो सकता है। घर का मध्य भाग जब भी नीचा हो जाता है, गहराई हो जाती है, टैंक बन जाता है, या कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि सेप्टिक टैंक भी बना दिया जाता है या मेन हॉल बना दिए जाते हैं, यानी जो सीवरेज पाइपलाइन है उसके लिए सेंटर में मध्य भाग में मेन हॉल बना दिए जाते हैं तो वो मेन हॉल भी दुखी करते हैं। कई बार ये भी देखा जाता है कि जो फ्लैट्स बनते हैं उन फ्लैट्स के मध्य भाग में टॉयलेट बनी हुई होती है तो ऐसी जगह भी वास्तु दोष बन जाता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या अपने घर को रेनोवेट करने जा रहे हैं तो घर का सेंटर का भाग कभी भी नीचा नहीं होना चाहिए, फ्लोर के लेवल में नीचा नहीं होना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखना, जो आपकी टाइल्स लगाने वाले मिस्त्री होते हैं, जो पत्थर लगाने वाले मिस्त्री होते हैं, उनसे स्पेशली एक बात जरूर बोलिएगा, जब आप यहाँ पर अपने घर के अंदर पत्थर लगाते हैं तो मिस्त्री करते क्या है कि हल्का सा ये लेवल नीचा कर देते हैं और उसमें जो रूम का फ्लोर लेवल होता है, जहाँ पर डोर लगा हुआ होता है, मान लीजिए ये यहाँ पर डोर लगा हुआ है तो यहाँ पर इसका हल्का सा स्लोप करके इसको यहाँ पर आपस में मिला देते हैं, वो महसूस नहीं होता। लेकिन इस चीज़ को आपने ज़रूर नोट करना है कि फ्लोर लेवल बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, किसी भी कीमत पर मध्य भाग सेंटर का भाग नीचा नहीं होना चाहिए। हाँ, सेंटर भाग किस दिशा से नीचा हो सकता है उसके बारे में सुनिएगा। हमारा साउथ जोन
यदि ऊंची होती है, साउथ वेस्ट ऊंचा होता है और वेस्ट ऊंचा होता है, तो इससे हमारा सेंटर का भाग नीचा हो सकता है। साउथ वेस्ट से भी सेंटर का भाग नीचा हो सकता है और वेस्ट से भी सेंटर का भाग नीचा हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें, जो आपका साउथ ईस्ट जोन है, जो नॉर्थ वेस्ट जोन है, इससे सेंटर का भाग नीचा नहीं होना चाहिए, या तो इसके बराबर होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट के भी बराबर और साउथ ईस्ट के भी बराबर, या आपका साउथ वेस्ट से साउथ होते हुए साउथ ईस्ट तक ये हिस्सा यानी साउथ जोन कंप्लीट ऊंची हो, सेंटर का भाग और इससे आगे का भाग सारा एक लेवल में हो, तो कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे ही साउथ वेस्ट से वेस्ट होते हुए नॉर्थ वेस्ट तक ये हिस्सा एक लेवल में हो जाए और उसके बाद सेंटर का भाग नीचा होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ध्यान रखना है, किसी कारण से आपका नॉर्थ ईस्ट का भाग ऊंचा हो जाता है, नॉर्थ का भाग ऊंचा हो जाता है, ईस्ट का भाग ऊंचा हो जाता है और यहाँ से आप सेंटर में नीचे की ओर जाते हैं, इसके कारण वास्तु दोष बनता है, तो ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। जो बात मैंने आपको अपने इस वीडियो में बताई है, शायद हो सकता है यूट्यूब पे किसी व्यक्ति ने आपको इतने अच्छे तरीके से समझाया हो कि आपके सेंटर के अंदर किस प्रकार से वास्तु दोष बनता है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और विचार कीजिएगा। आपको लगता है कि बंसल जी द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी बिल्कुल सही है और आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं, तो आप अपने घर के मध्य भाग को, सेंटर को, केंद्र को सही जरूर करें। ऐसा करने से आपके घर के अंदर खुशहाली जरूर आएगी। कुछ जगह ऐसा भी देखने में आता है कि घर के मध्य भाग में साउथ से भी जो पानी का काम होना है, साउथ ईस्ट से भी जो पानी का काम होना है, वेस्ट से भी जो पानी का काम होना है और नॉर्थ वेस्ट से भी जो पानी का काम होना है, वो सारा का सारा सेंटर में एक चैम्बर बना देते हैं और वहाँ से नॉर्थ की ओर पानी बाहर निकाल देते हैं, या वेस्ट की ओर पानी बाहर निकाल देते हैं, या साउथ की ओर पानी बाहर निकाल देते हैं, या ईस्ट की ओर पानी बाहर निकाल देते हैं, यानी घर की जो भी दिशा होती है उस दिशा के हिसाब से वहाँ से पानी बाहर निकाल देते हैं। उसमें प्लम्बर क्या काम करता है कि उसके लिए सारी पाइपलाइन एक जगह इकट्ठा करना बड़ी ईजी हो जाती है, वो मेहनत कम करता है और सेंटर में एक चैम्बर बनाकर, मेन चैम्बर बनाकर वहाँ से सारा पानी बाहर निकालता है। घर के सेंटर के भाग में आपकी टॉयलेट का भी पानी आता है, आपकी अपनी किचन का भी पानी आता है, और जो कि वास्तुशास्त्र के अनुसार गलत तो है ही है, और साथ में जो चैम्बर की गहराई बनती है वो कम से कम 2.5 फुट 3 फुट के करीब गहराई भी बन जाती है, जिसके कारण भी घर, उस घर में रहने वाले लोग परेशान रहते हैं। आप अपना घर बनाने जा रहे हैं तो इन बातों का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आपको घर किस प्रकार से बनाना चाहिए और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। आप अपनी किसी भी साइट के बारे में हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप अपनी साइट का मैप भेजकर हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं, और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं, और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इन्वाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इन्वाइट कर सकते हैं, और आप हमारी पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारी पुस्तक भी मंगवा सकते हैं। हमारी यह पुस्तक आपकी बिल्डिंग को वास्तु दोष मुक्त बनाने में सहायक जरूर होगी। आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या अपने घर को रेनोवेट करने जा रहे हैं तो आप हमारी पुस्तक भी मंगवा सकते हैं। मैंने अपने YouTube चैनल पर 450+ वीडियो अपलोड की हुई है। आप मेरी वो सभी वीडियोस भी देखकर अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। मैंने अलग अलग विषयों पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको अपनी इस वीडियो में सलाह दी है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको अपना घर बनाते समय किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, या अपने घर को रेनोवेट करने हैं तो भी आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, या आप जरूर से ज़्यादा परेशान हैं तो आप ये छोटे छोटे उपाय अपने यहाँ पर करकर अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से आप मेरी बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। थूक के बंद लगाने से काम कभी भी नहीं चलता, हमेशा सही काम सही तरीके से करते हैं तो जीवन में हमेशा कामयाबी मिलती है। गलत तरीके से किए हुए काम या जल्दबाजी में किए हुए काम हमेशा परेशानी पैदा करते हैं। कई बार हम कच्चा लालच कर लेते हैं, जी यहाँ पर इतनी तोड़फोड़ होगी, इसके बजाय आप ये उपाय कर लो तो आपको रिजल्ट बेहतर मिल जाएंगे। मैं ये कहना चाहूँगा, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें उपाय के लायक नहीं होती, वहाँ पर रेमेडी काम नहीं करती, तो आप वहाँ पर जो मेज़र काम करना है वहाँ पर आप मेज़र काम
कर सकते हैं। आपको लगता है आपका बजट है, आप उसको सही कर सकते हैं, तो उसको सही जरूर करें। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको लगता सही है और आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं, तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। और आप मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। हो सकता है मेरी यह वीडियो आपके जानकारी में किसी व्यक्ति के काम आ जाए। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।